ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, 10 मिनट लेट हो गया फिर से। मैं नो वक्त प्रॉब्लम पे सर, एकदम पे, चलेगा मैंने चलेगा। एक्चुअली स्टार्ट कर लिया था, इवेंट सेशन मैंने वैसे स्टार्ट कर भी भी सर लिया था, बट उसी टाइम पे एन वक्त पे रिंग बेल बजा, मुझे जाकर के चेक करना पड़ा। खैर, तो चलेगा सर, तो बस हाँ, तो MC24 का वैसे PDF मैं शेयर कर भी दूंगा। सर जी मैच खत्म हो गया ना, तो हम लोग फ्री है। चलो हाँ, सही बात है, मैच बहुत जल्दी खत्म हो सर, गया, यकीन नहीं हो रहा इतना जल्दी हो गया। चलो सही है। सर, हाँ, तो PDF मैंने शेयर कर दिया MC24 का, ठीक है, उसी में सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ और जैसे कि हाँ मैंने पहले बताया था कि जून में जो एग्जाम हुआ है अभी हाल में, उसका जैसे ही क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा मैं उसका सॉल्व भी भेज दूंगा, और वो मिलाकर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सफिशियंट है, एग्जाम में 70-80% आराम से आ जाएंगे। अटेम्प्ट तो आप पूरा ही कर लेंगे, और 70-80% मैं गारंटी सर ले सकता हूँ पूरा कि अगर सर, आप लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आराम से आ जाएंगे। हाँ किशन कहिए। पूरा सर, यस चीर सर। फाड़ के आएंगे आराम से। बोल क्या क्या? और रहा तो सर अच्छे एक से लिख के आएंगे क्वेश्चन सर, गंदा उड़ा देंगे। था, दोनों की बात समझ में नहीं आई, एक एक करके कहिए। किशन आप कहिए क्या कह रहे थे। हेलो, किशन, आकांक्षा आपको आवाज आ हेलो। रही है? यस सर, यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर हाँ असाइनमेंट सर ये कौन से फाइल में सबमिट करना है, और सारे को मतलब कि सेपरेटली ही करना है या तो कैसे करना है सर, प्लीज आप बता दीजिए थोड़ा। सबको अलग अलग करना है, और ओके सर। डिपेंड करता है कि आपके वहां पे किस तरीके से ले रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ पे जो स्टडी सेंटर है, मैं जब करता था उस टाइम पे क्या था कि सिंपल जो है आपका A4 साइज में आपने लिखा, और लिखने के बाद आपने उसको यस स्टेपल कर सर। दिया, सर ठीक मैंने है। A4 साइज में लिखा है सर, वन साइड रूलिंग है, वन साइड ब्लैंक है सर। हाँ ये तो आप बता रही थी, कोई उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है, आपने ओके जैसे भी सर, लिखा मेरा है आपने दोनों उसको दोनों दोनों लाइन है, ही दोनों लाइन साइड है, मेरा लाइन है सर, और कोई नहीं, उससे पैराग्राफ फर्क नहीं जो छोड़ा पड़ता। हुआ है साइड हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, उतना चलता है। और जब लिखना हो जाए तो लिखने के बाद सबसे पहले तो ऊपर में एक क्वेश्चन पेपर चिपकाना होगा, उसके ऊपर जो है आपको एक पेज चिपकाना होगा जहाँ पे आपका डिटेल्स वगैरह जो है सब कुछ रहेगा, ठीक है, आपका एनरोलमेंट नंबर, ओके। और नाम, स्टडी सेंटर वगैरह वगैरह हर एक चीज। फाइल कैसा होना चाहिए, फाइल से? फाइल नहीं बनाना, फाइल नहीं बनाना, ना ही उसको चैनल फाइल में डालना है, ना ही स्पाइरल बाइंडिंग करनी है, कुछ नहीं करना, उसको सिंपल स्टेपल कीजिए, और स्टेपल करने के बाद उस स्टेपलर के ऊपर जो स्टेपल किया हुआ पिन है उसके ऊपर एक जस्ट पेज काट करके उसको लंबा सा एक चिपका दीजिए। या मेरे पास आई थिंक होगा मेरा MER कोर्स का पुराना असाइनमेंट, मैं उस देख आपको पिक्स भेज दूंगा नहीं तो व्हाट्सएप में, ठीक है। जरूर सर, जरूर सर भेजिए, क्योंकि मैंने जी वो सर, पेंडिंग भेज करके दीजिएगा रखा है सर, सर। काफी काफी कंफ्यूजन है सर। ठीक है ठीक अभी सर हम है लोग क्या ठीक। करते हैं, हम सिर्फ लिखने में लगे हुए हैं सर, हम हाँ मुझे हाँ कवर कवर के लिए कुछ भी नहीं देख रहे, सिर्फ हम लोग अभी सर, भरने के पीछे लगे इतना हुए हैं। छोटा छोटा लेटर्स है, वर्ड लगा था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन इतना लिखने में टाइम लग काफी रहा है सर, कुछ और है बहुत ज्यादा वो, मेहनत लग रहा है उसमें लिखने में सर। उसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ सर, स्पीड भी और बढ़ेगा ना इसी से, स्पीड भी इसी से बढ़ेगा। हाँ, एग्जाम के लिए एक तरह से हाँ तैयारी भी हो जाता है हाँ असाइनमेंट्स लिखते बराबर बराबर, लिखते, नहीं तो मैं तो आपको सर वो वो तो लिंक भेज दिखता भी है, दूंगा। दिखता भी है। हाँ सर, एक मैं क्वेश्चन था सर, हाँ जैसे मैंने MC024 का लिखा है सर, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके पहले ही मतलब सर सब्जेक्ट डाल देना है क्या कि MC04 इस टाइप से, या तो उसके पहले वाले पेज में? आपने क्वेश्चन आंसर लिख लिया है ना, क्वेश्चन लिखते तो जी सर उसके मैंने आंसर लिखा लिखना हो है, सर। क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके असाइनमेंट के टॉप में आपको जो है उसको स्टेपल कर लेना है, चिपका सर चिपकाना यानी तो कि नहीं जो चिपकाई। फर्स्ट पेज होगा, एक्सक्यूज मी सर, सर यानी कि जो फर्स्ट पेज है सर उसमें सिर्फ क्वेश्चन मेंशन करना है और कुछ डिटेल्स नहीं है ना? ओके कुछ नहीं कुछ नहीं, PDF निकालना है, क्वेश्चन लिखना भी नहीं है, जो PDF क्वेश्चन पेपर आया है उसी का प्रिंट आउट निकाल करके उसी को लगा देना है। सर, और कोई भी आंसर लिखने के पहले सर क्वेश्चन लिखेंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आपने लिख दिया है तो कोई बात मैंने नहीं, क्वेश्चन लिखा है उसके बाद ही आंसर किया है सर, कोई बात नहीं, क्योंकि सर उससे कोई हमने फर्क नहीं क्वेश्चन पड़ता। छिपाया नहीं था ना, तो हम लोग ने लिख दिया, मैंने भी लिख दिया सर। कोई नहीं कोई नहीं, सर कोई क्वेश्चन फर्क नहीं लिखा पड़ता, उसके उसके बाद ही आंसर किए हैं सर, तो वो ज्यादा सही है ना, प्रॉपरली पता चल रहा हाँ सही गलत वाली बात नहीं है, आप अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख दिए हैं बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल है। आपको ओके जो सर। प्रिंट आउट है, जो क्वेश्चन का जो पेपर है उसका प्रिंट आउट निकाल करके आपको उसको लगाना होगा, आपका असाइनमेंट जब आपने लिखना स्टार्ट किया उसके फ्रंट पेज में, उसके पहले वाले पेज में उसको लगाना है, और उससे भी ऊपर वाले में आपको जो है एक और पेज लगाना है, पता नहीं वो पेज मैंने शेयर किया है कि नहीं, वहां पे जो है आपका सारा डिटेल्स सर रहेगा। प्लीज अपना सेंड कर दीजिए सर, प्लीज, थोड़ा एक सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक ओके है ठीक है,
मैं बेस्ट होगा, मैं एक पिक्चर सेंड कर देता हूँ, ठीक है? वो पिक्चर देख सर कि करके कौन आपको जो कौन है सा सारा पेजेस समझ में आ लगाना जाएगा। है और फर्स्ट पेज में कुछ मेंशन करना या नहीं करना, ठीक है सर? ठीक, डोंट वरी डोंट वरी, मैं वो सारी चीजें बता देता हूँ। यस एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा ओके लाइन पे रहिए, मैं वो पेज अगर मेरे पास होना तो सर। चाहिए, बट कौन से एक्सक्यूज फोल्डर में है। हाँ मी कहिए सर। कहिए। सर कहने का मतलब सर, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है, तो उसका आंसर जहां पे भी एंड हुआ है ना सर, सर उस पेज को फिर हम छोड़ दिए, मतलब नीचे मार्जिन करके फिर सेकंड पेज से स्टार्ट किए, तो सर वो सही है ना? वो वही ज्यादा सही है, वही सबसे ज्यादा जी सही है। सर, हाँ मैंने भी ऐसे ही किया सर, जहां से खत्म पेज हुआ वहां छोड़, से छोड़ के नेक्स्ट पेज में स्टार्ट किया है। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल सर वैसा और ही नीचे करना है। मार्जिन दे दिए हैं। हाँ सही है सही है, कंटिन्यूअस वे में नहीं ओके करना सर, है, वो मार्जिन आपको छोड़ना है, ठीक मार्जिन है? मैंने भी छोड़ा है सर पूरे, ओके मैंने पेपर ही ओके, वैसा वाला लिया है। हाँ सर एक हाँ बार सही प्लीज है, सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, तो हम लोग का और भी जो कंफ्यूजन सर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी सेंड कर देता हूँ, थोड़ी देर में इस टॉपिक को कर लेते हैं, फिर मैं आपको यस सेंड करता हूँ, ठीक है? सर, सर यस मैं बोल रहा हूँ कि ओके असाइनमेंट सर। टाइम पे जमा नहीं हुआ, मतलब ये 30 तारीख तक, ये 30 सितंबर तक, तो कुछ फाइन लगता है क्या इस पे? कुछ नहीं कुछ नहीं, देखो पहला बात तो ये है कि 30 तारीख जो है वो बढ़ेगा, वो पक्का है कि बढ़ेगा, 15 अक्टूबर या 31 अक्टूबर तक तो वो बढ़ना ही है। अगर नहीं भी अच्छा बढ़ा अच्छा और अगर हफ्ते भर हाँ में भी आपका कंप्लीट हो गया, तो आप डायरेक्टली रीजनल सेंटर जाकर के सबमिट कर सकते हैं। स्टडी सेंटर जो है डेट खत्म होने के बाद एक्सेप्ट नहीं करेगी असाइनमेंट, ठीक है? अच्छा, आपका जो लोग स्टडी सर सेंटर है इधर जो, ही सर कहिए। टाइम के पहले ही हो जाएगा तो वो ज्यादा सही है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइम के पहले ही हो बाकी जाए तो बहुत अच्छा, जल्दी सबमिट भी हो जाएगा तो हो यस सकता है मार्क्स भी जल्दी आए, है जी ना? सर, मार्क्स सबमिट वो हो ज्यादा जाना चाहिए, सही रहेगा। वो है। बट अगर अगर किसी कारण से नहीं हो पाता है तो भी आपके पास टाइम रहेगा, और एकदम मान लो 10-15 दिन निकल गए, फाइनल डेट होने के बाद भी 10-15 दिन निकल गए, तो भी आप डायरेक्टली रीजनल सेंटर जो है, जो मेन सेंटर है आपका पूरे डिस्ट्रिक्ट का, सॉरी पूरे जिला, क्या कहते हैं यार, स्टेट का, पूरे स्टेट का, वहां पे आप जाकर के उसको सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके सर, ओके ओके सर, मेरा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, टू पेपर खाली बाकी है। सर, ओके मेरा भी गाइस ओके, कंप्लीट हो जाएगा सर, मेरा 20 तक हो जाएगा, ठीक है? ठीक है हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ओके देन, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, नेशनल 9 प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस। वॉलंटरी गाइडलाइंस की जो 9 प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में हम लोग करेंगे, MCA 24 का ही ये भी टॉपिक है। सो आप एक इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस आपके लिए क्या क्या कर चीजें करनी जरूरी है ना? आपको एज ए बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग में क्या क्या चीजें आपको करनी है, ये करने के लिए जो है आपको 9 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, और उन्हीं 9 प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? जस्ट एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिएगा। ओके सर। ओके गाइस, सो सबसे पहला पॉइंट है, बिजनेसेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्फ विद एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब देखो ये 3 चीजें बोली गई हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, पर बिजनेसेस को ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप अपने कंडक्ट करें, अपने बिजनेस को कंडक्ट करें, अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करें, तो वो एथिकल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस चीज की जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी, कि चाहे वो चीजें अच्छी हो या गलत हो। अच्छी होंगी तो लोग क्रेडिट लेने के लिए चले आते हैं, पर कुछ गलत होता है तो उस चीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग वो नहीं लेते हैं। एक बिजनेस के बारे में बिल्कुल कहा गया है कि एक बिजनेस को वॉलेंटरिली खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए अपने कंडक्ट को लेकर के, साथ ही साथ उनको अपने काम को एथिकली और ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए, सबको बता के करना चाहिए, कुछ छुपा के नहीं करना है ना? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, बिजनेसेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सेफ एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है? तो जो बिजनेसेस जो है वो अच्छी सर्विसेज एंड गुड्स प्रोवाइड करें लोगों को जो कि सेफ है, और साथ ही साथ एक सस्टेनेबल वे में जो है वो चीजें करते रहें। ऐसा नहीं कि एक ही साल आपने, जैसे CSR, एक बहुत बड़ी आपने नाम सुना होगा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल जहां पे, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस एथिक्स एंड CSR है हम लोगों का टॉपिक भी। तो CSR में क्या करते हैं कि हम लोग अपने बिजनेसेस में से कुछ पैसे निकाल करके, प्रॉफिट में कुछ पैसे ये चार्ज करके, सोसाइटी जी उसको साइड करके हम लोग उसको सोसाइटी में यूज करते हैं, स्कूल बनवा दिए, जी सर, सैनिटेशन के लिए कुछ हम लोगों ने कर दिया है ना, इस तरह की चीजें जो है की जाती हैं। तो एक बिजनेस का काम ये भी है कि वो ये करने, अपने बिजनेस को साथ में चलाने के साथ साथ उनका जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे खासकर प्रोडक्ट की बात हो रही है, कि उनका प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करे लोगों को, लंबे समय तक चले,
और लंबे समय तक आपको जो सीएसआर का जो वर्क है वो भी आपको साथ में करते रहना, जब तक आपका प्रोडक्ट जब तक आपका लाइफ साइकिल है। कोई बिजनेस अगर 20 साल तक के लिए रन करना है तो हर साल आपको जो है ये काम करना है। इसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। बट जो ऐसा करती हैं उनका एक तरीके से प्रमोशन हो जाता है गवर्नमेंट के सामने, आई मीन नॉट गवर्नमेंट, पीपल्स के सामने, लोगों के सामने, सिटीजन्स के सामने, ये कंपनी जो है लोगों के लिए काम कर रही है। जैसे कि आपने टाटा का नाम सुना होगा, टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है, टाटा के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उसके बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि बहुत हद तक अच्छा काम करते हैं। सो टाटा का नाम इसीलिए फेमस है, राइट? दे आर नेशन बिल्डर्स, उनको नेशन बिल्डर्स कहा जाता है। हमारे इंडिया में टाटा को नेशन बिल्डर्स बोला जाता है, देश को बनाने का काम। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कंट्री के लिए अपना जो योगदान है वो भी देते हैं वो लोग, ठीक है ना? तो वो काम है। एक्सक्यूज जी कहिए। सर, तो सर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है सर, उनको तो सीएसआर में देना वो ज्यादा जरूरी होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और ज्यादा है एक्चुअली, उनको तो देना यस ही सर, चाहिए। प्लस वो लोग देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, बट अभी ना बहुत हर चीज में ये लोग पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आपने एक जियो, जो मुकेश अंबानी है, इसका आपने एक जियो इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? जी तो सर, जियो इंस्टीट्यूट, ये जो काम है ये भी एक तरीके का वेलफेयर का काम हुआ कि आपने कॉलेज बनवा दिए, राइट? लेकिन कॉलेज बनवाने के बावजूद मतलब उसमें से भी आपको आप फायदे उठा रहे हैं, मतलब उसमें से भी आप चीजें कर रहे हैं। लेकिन टाटास की अगर बात करें तो टाटास का ऐसा नहीं है, वो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह बनाते हैं, जो चार्जेस होती हैं वहां पे फ्री होती हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे फ्री होती हैं। अब हर चीज तो फ्री नहीं कराया जा सकता, लेकिन बहुत सारी चीजें फ्री होती हैं। सो उस तरह की चीजें करना कि लोगों को जो है फ्री में चीजें जो है मिल सके, अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से निभाना। तो सारे बिजनेसमैन ऐसा नहीं करते हैं। आपने अजीम प्रेम जी का नाम सुना होगा, विप्रो का जो लीडर है, उनके बारे में अगर आप चेक करेंगे गूगल में आपको बहुत डिटेल्स दिखेगा कि करोड़ों करोड़ रुपए जो है वो लोग दान कर देते हैं, है ना? सो उस तरह की बिल्कुल चीजें जो है की जाती हैं, और बड़े बड़े बिजनेसेस को तो पक्का करना चाहिए, और उससे उनका ही फायदा है एक्चुअली, उससे उन्हीं का फायदा है। अभी रिसेंटली मैं एक कंसेप्ट सुन रहा था, बताता हूँ, शेयर करता हूँ, अच्छा लगेगा। आपको पता है फ्री में पानी बांट करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब ये कंसेप्ट अमेरिका में चल रहा है, इंडिया में भी शायद चालू हो जाए धीरे धीरे। देखो कंपनीज को क्या चाहिए होता है, कंपनीज को चाहिए होता है ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग उनको करने के लिए क्या करना होगा, शाहरुख खान से, सलमान खान से, या किसी ऐसे बंदे से आपको जो है प्रमोशन करवानी होगी जिससे जो है आपको आपके पास जो कस्टमर है आए। हम लोगों को कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हम लोग को वही प्रोडक्ट चाहिए जिसका जिसका एड हम लोग टीवी में देखते हैं। जनरली ऐसा ही होता है, बार बार हम लोग टीवी में, जी यूट्यूब में एड वगैरह देखते हैं तो ही हम लोग उस चीजों को खरीदते हैं। तो अमेरिका में एक कंपनी ने क्या किया कि वो लोग फ्री में लोगों को पानी पिला रहे हैं, फ्री में लोगों को पानी पिला रहे हैं, और जो पानी का बॉटल है उसका जो स्पेस है वो बेच रहे हैं। मतलब सपोज आपने उसका आपका उसका लिए कोई खर्चा आपको पे नहीं करना। सपोज शुरू में आपने खर्चे किए 1 लाख 2 लाख, लोगों को आपने पानी पिलाया, तो इसमें नाम किसका हुआ, आपका नाम हुआ कि आप फ्री में पानी पिला रहे हैं। अब जो बिजनेस ये सर, जो कंपनी ये इससे बिजनेस कर रही है वो क्या कर रही है? गुडविल इंक्रीज जी हुआ कहिए। ना सर, कह रही इससे गुडविल इंक्रीज हुआ ना उसका, मतलब कंपनी हाँ, का। ये तो पर्टिकुलर उस कंपनी का गुडविल इंक्रीज हुआ। अब इसके पीछे का खेल देखिए, अब जो बिजनेस ये काम कर रहा है पानी पिलाने वाला, वो क्या करेगा कि पानी का जो बॉटल है, बॉटल में तो स्पेस जगह स्पेस खाली होता है, जब हम बॉटल कोई खरीदते हैं तो उस पर देखना ऐड रहेगा, पेप्सी का बॉटल खरीदेंगे तो पेप्सी का रहेगा, कोको कोला का खरीदेंगे तो कोको कोला का रहेगा। लोगो लेकिन प्योर लोगो पानी का लोगो बोतल में उसमें कुछ भी ब्रांडिंग नहीं होता है किसी भी कंपनी का, तो वो कंपनी क्या करेगी, अपने ब्रांडिंग स्पेस को, उस बोतल के स्पेस को किसी को बेच देगी। सपोज कोको कोला को ही उसने बोला कि कोको कोला आप मुझे इतना पैसे दो, मैं आपकी ब्रांडिंग फ्री में नहीं, मतलब आपको पैसे तो आप दे ही रहे हो, मैं अपनी ऐसे नहीं, बॉटल में पानी आपकी मैं फ्री ब्रांडिंग में लगा दूंगा, दूंगा। पानी मैं फ्री में दूंगा। हाँ, पानी में आपकी ब्रांडिंग लगा दूंगा। अब इससे देखो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि लोगों को लगेगा कि अच्छा कोको कोला फ्री में पानी पिला रही है हम लोगों को। आप समझ रहे हो, अच्छा चीजें बढ़ जी जाएंगी। सर, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इनडायरेक्टली लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हाँ तो एक तरीके से कंपनी का ये ही प्रॉफिट कंपनी है। यस कंपनी सर, हाँ आपका जी स्पेस। अब सर, जैसे कि मेरा YouTube चैनल है, आपको दिखा होगा कि YouTube चैनल पे एड्स वगैरह चल रहे हैं, तो ये जो एड्स वगैरह जी सर, चलते हैं इसके पैसे मिलते हैं, आप लोगों को पता है? यस सर, YouTube यस में जो सर, एड चलते हैं इसके पैसे मिलते, बहुत कम मिलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिलता, जो मिलता है क्लासेस वगैरह करके ही मिलता है। तो ये क्या होता है कि उसके ना पैसे मिलते हैं,
तो जो एड मेरे वीडियो पे चल रहा है उस चीज के लिए यूट्यूब कंपनी से चार्ज कर रही है, और चार्ज करने के बाद उसका कुछ अमाउंट जो है अपने क्रिएटर्स को, मतलब ऐसे लोग जो यूट्यूब पे एक्टिव हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, मोनेटाइज्ड हैं, उनको अब उनका शेयर जो है देती है। ठीक है, मेहनत हम लोग कर रहे हैं, सपोज कंपनी ने 100 रुपए यूट्यूब को दिए, तो यूट्यूब क्या करेगा, मुझे 30% या 40% मुझे दे देगा, बाकी 60-70% यूट्यूब अपने पास खुद रख लेगा। सर तो इस यूट्यूब को तरीके से कौन देगा? बिजनेस चल रहा है जी। सर यूट्यूब को कौन हेलो, देगा? यूट्यूब को बिजनेस वाले देंगे। टीवी में अगर शाहरुख खान का कोई ऐड चल रहा है किसी भी चीज का, है ना, तो वो अच्छा कंपनी जो है यूट्यूब को यस पैसे देगी, कंपनी जो है यूट्यूब पे अपने वीडियोस को रन करवाएगी, अपने एड्स को रन करवाएगी। अच्छा ओके ठीक है, जैसे कंपनी मैं चाहता एड हूँ, चलवाएगी वो पे करेगी, है ना सर? जो हाँ कंपनी वो एड लोग, अब जैसे चलवाएगी यूट्यूब पे, दे विल पे द अमाउंट ऑफ टू द हंड्रेड यूट्यूब, परसेंट एंड फोर्टी हाँ फोर 40 to 50% विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूट्यूबर्स एंड रिमेनिंग 50% विल बी ऑन YouTube will take यूट्यूब remaining 50 ऑन। से 60%। हाँ यस सर, तो वैसा होता है। तो ये जो ये लोग कर रहे हैं, जैसे YouTube क्या कर रहा है, हम लोगों को फ्री में एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पे हम लोग वीडियोस बना सकते हैं, और उन प्लेटफॉर्म से वीडियोस चलाने के लिए YouTube जो है आपसे पैसे ले रही है। Facebook क्या करती है, Facebook में जब आप कोई ऐड देखेंगे, जब भी आप कोई वीडियो देख रहे होंगे, तो देखना अचानक से वहां पे ऐड चलने लगेगा, तो वो Facebook क्या फ्री में प्रमोट कर रहा है? नहीं, उन लोगों को, कंपनीज को YouTube Facebook को पैसे देने पड़ रहे हैं। अब जो पैसे Facebook को मिल रहे हैं, उन्हीं पैसे में से कुछ पैसा, चूंकि वो वीडियो जो एड है वो आपके वीडियो पर रन कर रहा है, तो आपको उस चीज का कुछ हिस्सा जो है आपको मिलेगा। जी, ठीक है, इस तरीके से चीजें जो है वो हो रही हैं। जब हम लोग इस तरह की बात करेंगे कि कैसे एड वगैरह चल रहा है या किस तरीके से मार्केट को कैप्चर किया जाता है, तो इसी तरीके से। और ये पानी पिलाने वाला जो एग्जाम्पल है वो मैंने इसलिए दिया क्योंकि पानी पिलाना इस तरीके, मतलब पुण्य का काम है जिसको कहते हैं। आप फ्री में किसी को पानी बांट रहे हैं, कोई आपको मना थोड़ी करेगा कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, कोई जी मना नहीं बिल्कुल करेगा। आप उस पानी को ले लेंगे, लेने के बाद घर जाएंगे, देखेंगे अच्छा कौन सी कंपनी है भाई जो इसको फ्री में बांट रही है, देखो जरा, अच्छा ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसी के प्रोडक्ट खरीदते हैं। समझ रहे हो, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है लोगों के ऊपर पड़ता इमोशनली। है। तो CSR भी है, लेकिन साथ ही साथ अपनी ब्रांडिंग, जब आप CSR में पैसे लगा रहे हैं, तो CSR में पैसे लगाने के साथ साथ आप अपनी ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, आप अपने लिए गुडविल भी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए भी CSR किया जाता है। ठीक है, तो वो है। बिल्कुल तीसरा पॉइंट है, बिजनेसेस शुड प्रमोट द वेलबींग ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। बिजनेसेस को अपने एम्प्लॉइज के वेलबींग को प्रमोट करना चाहिए, मतलब अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखना चाहिए। सिंपल सी बात है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जबकि जब भी उनको जरूरत पड़े वो चीज उनको मिल सके। इंडिया में आपने ESI का नाम सुना होगा, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, जितने भी प्राइवेट इंप्लॉइज होते हैं, छोटी छोटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे लोग जो है ESI में रजिस्टर्ड होते हैं। उनको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, उनको और उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को ESI में फ्री में इलाज मिल जाएगा। ठीक है, पूरे इंडिया में अभी आयुष्मान भारत चल रहा है, बंगाल में स्वास्थ्य साथी कार्ड चल रहा है, जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है। और अगर आप प्राइवेट इंप्लॉइज की बात करें, बड़े बड़े कंपनीज की, जैसे रिलायंस हो गया या टाटा हो गया, उसके जितने भी इम्प्लॉयज हैं वो उसके खुद के हॉस्पिटल्स में जाते हैं, खुद के फैसिलिटीज में जाते हैं, और वहां उनको बहुत अच्छी सुविधा मिलती, बहुत ही अच्छी सुविधा बिल्कुल मिलती। बिल्कुल ठीक है, सो ये बिल्कुल एक्चुअली उनका ही फायदा है। अगर इम्प्लॉय स्वस्थ रहेगा, उसके परिवार वाले अगर स्वस्थ रहेंगे, तो इम्प्लॉय अच्छे तरीके से अपने काम को कर दे पाएगा। विल सो वर्क बिजनेसेस प्रॉपरली। को ये सारी चीजें भी करनी चाहिए, और वो लोग ये काम करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। ठीक है, ये हो गया। चौथा पॉइंट है, बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड बी रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स ऑल स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने भी अपने आपकी कंपनी में पैसे लगाए हैं, या जिन लोगों के भी आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आपको सभी को रिस्पेक्ट करना है, सभी को इक्वली जो है देखना है, स्पेशली दोज हु आर डिसएडवांटेज। ऐसे लोग जो कि डिसएडवांटेज है, जिसको बहुत ज्यादा फायदा चीजों का नहीं मिल पाता है, वल्नरेबल है, मार्जिनलाइज्ड है, मतलब जो लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे होता है ना कि पहले इनको फायदा मिलेगा, फिर उनको नहीं मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर उसको मिलेगा, वैसे करके। तो जो मार्जिनलाइज्ड है, जो काफी गरीब है, उनको जो है आपको रिस्पेक्ट करना है, अगर आपकी कंपनी में उनका कोई स्टेक है तो। ठीक है ना, तो वो चीज है कि आपको जो है सबके साथ इक्वली ट्रीट करना है, सबको, और सबको रिस्पेक्ट करना है। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज, बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की बहुत बात होती है, कई लोगों को तो अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, आप लोगों को भी शायद नहीं पता होगा, मुझे भी सारे पॉइंट्स नहीं पता है, गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या क्या ह्यूमन राइट्स है।
सिर्फ ठीक है, हम फंडामेंटल राइट्स हुआ ना, लोग ह्यूमन राइट्स। हेलो, यू कैन यस से, यस मतलब वो तो एक है ही, प्लस एक और ह्यूमन राइट है, यस जैसे कि कोई अगर जेल में बंद है तो जनरली उसके यस पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे राइट्स तो नहीं रहेंगे, राइट टू फ्रीडम उनके पास नहीं रहेगा क्योंकि उनको जेल में बंद रहना पड़ रहा है, लेकिन यस जेल सर में बंद रहने के बावजूद उनके पास ह्यूमन राइट्स होंगी, जैसे कि उनके उनका उनके यस साथ व्यवहार लोगों का सही होना चाहिए, उनके ऊपर किसी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए, जो जेल के कैदी होते हैं फ्रीडम ऑफ उन पर प्रोटेक्शन भी। जिसे कह सकते हैं ना, जी फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन। हाँ काइंड ऑफ, हाँ फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन लाइक। ठीक है, सो यस आपका जो मेन जो मौलिक अधिकार है, पहला बात तो वो कभी खत्म नहीं होता, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं ड्यू टू योर क्रिमिनल एक्टिविटी, और मतलब आपकी नहीं, अगर कोई करता है वैसा या कुछ किसी और रीजन से, तो भी उसके पास ह्यूमन राइट्स होती हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि उसके पास अधिकार में है, लेकिन लोगों को चूंकि उसके बारे में पता नहीं। आपको पता है यूएस में अगर कोई बंदा कितना ही बड़ा जुर्म क्यों ना करे, आपको अगर वो पकड़ पुलिस अगर पकड़ लेती है, आपका हक है कि पुलिस को आप कुछ ना बोले। यहाँ पे तो पुलिस आपको घसीट पीट करके लेकर के जाएगी पुलिस स्टेशन में और जेल में, फिर आपको अच्छे से थर्ड डिग्री देगी वगैरह वगैरह जो भी, लेकिन यूएस में आप किसी को अगर कोई बहुत बड़ी चोरी भी करता है तो आप उसको पकड़ के सिर्फ अपने पास रख सकते हैं, जब तक कि उसका वकील उसके पास नहीं आ जाए आप उससे उससे कोई सवाल जवाब नहीं पूछ सकते हैं। अगर आप उससे सवाल जवाब पूछेंगे तो उसके पास अधिकार है कि वो चुपचाप रहे जब तक कि उसके पास उसका कोई वकील ना आ जाए। ठीक है, यूएस में ऐसा है, ओके और काफी बेहतरीन चीज है मेरे ख्याल से, क्योंकि कई बार क्या होता है हाँ सर, कि बहुत अच्छी लोग चीज है। गलती से भी फंस जाते हैं और कुछ ऐसा ऊटपटांग बोल देते हैं जिसके कारण से उनको जो है, और आप जो भी बोलेंगे ना उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप कुछ बोलो ही मत, अपने वकील को आने दो, वकील से डिस्कस करो, जो वो बोलेगा आपको वैसा जो है करना है। तो ह्यूमन राइट्स जो है काफी ज्यादा जो है इंडिया में तो बहुत ही खराब है। जेएनयू का आपने नाम सुना होगा, जेएनयू में जो मामला हुआ था वो लोग एक्चुअली ह्यूमन राइट्स को लेकर के ही बात कर रहे थे कि फांसी का जो सजा है वो लोगों को अब नहीं देना चाहिए, फांसी का जो सजा है वो काफी पुराना हो गया है, इस बारे में जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि फांसी की सजा को एक तरीके से बंद कर दिया जाए, आप लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो, जिंदगी भर उसको जेल में सड़ा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कुछ कुछ प्रथाएं हैं, जैसे कि पहले के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि होती थी जो कि गलत थी, लेकिन अभी के टाइम में उसको बंद कर दिया जी गया है। ठीक है, तो इस चीज में ह्यूमन राइट्स को लेकर के ही एक्चुअली ये सारा का सारा इशू हुआ था। अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, कई चीजों को मान्यता मिली है, कई चीजों को मान्यता नहीं मिली है। अभी भी इंडिया में बोला जाता है कि जेलों की जो संख्या है वो कैदियों की संख्या से कहीं कम है, मतलब जेलों में ठूस ठूस के बड़े हुए हैं ऐसे कैदी। तो जेलों में आपको तो पहले जेलों की संख्या बढ़ानी चाहिए, फिर वहां पे वार्डन्स अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराने चाहिए सभी के लिए, अच्छा खाना, अच्छा पहनावा, अच्छा जो है जेल के अंदर वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें जो है जी प्रमोशन में आ जाएंगी ह्यूमन राइट्स की। ठीक है, तो कि एक एक ऐसा आदमी जो भीख मांग रहा है उसकी भी उसका भी अधिकार है ना। सो बिजनेसेस को जी भी इस चीज के बारे में ध्यान रखना है और ये चीजें करनी है। सिक्स पॉइंट है, बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट एंड मेक एफर्ट्स टू रिस्टोर द इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेसेस जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए और एफर्ट लगाना चाहिए कि वो उसके जो आसपास की इन्वायरमेंट है उसको वो लोग रिस्टोर कर सके। अगर आप अपने बिजनेस को लगाने के लिए 10-15 पेड़ आपको काटने पड़ रहे हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10,000-15,000 पेड़ आप लगवाएं, ऐसा ये लिटरली लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा ये लॉ है कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आपको 10-15 पेड़ या उससे ज्यादा ही आई थिंक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, वो है, और यस आपको अगर लॉ ना भी रहे फिर भी ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इन्वायरमेंट को अपने बिजनेसेस के कारण, उसकी भरपाई आप उसी तरीके से करें। ठीक है, ओके, सिक्स पॉइंट। सेवन पॉइंट, बिजनेसेस व्हेन एंगेज इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी शुड डू सो इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। ठीक है, सो बिजनेस जब भी अपने एंगेज होता है इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, जब वो लोग पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं बाय मेकिंग एड्स और व्हाटएवर, या फिर किसी रेगुलेटरी पॉलिसी रेगुलेटरी को पॉलिसी रिलेटेड अगर कुछ भी चीजें होती हैं तो वो भी जो है आपको एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में करना है। जैसे कि हम लोग टीवी में एड देखते हैं ना कोलगेट वाला, कि भाई कोलगेट बिल्कुल जो है आपको यूज करना है, जैसे टूथपेस्ट का मतलब इंडिया में, हमारे इंडिया में कोलगेट है, आप दुकान जाएंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि मुझे टूथपेस्ट चाहिए, आप बोलेंगे कोलगेट, कोलगेट ही टूथपेस्ट बन गया है इंडिया में। लेकिन कोलगेट के और पीछे जो हाँ वार्निंग्स कॉलेज होती हैं वो इतनी खतरनाक होती हैं, देखना उसमें लिखा हुआ रहेगा कि बच्चों के हाथ में ये नहीं आना चाहिए, मतलब इतना खतरनाक है।
फिर भी लोग उसका अच्छे से यूज कर रहे हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि कोलगेट वगैरह का यूज बंद करके जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, हिमालया हो गया या मोदी केयर हो गया या कुछ और भी बहुत, एक और मैंने नाम सुना था वेस्टीज बोल करके, ये सारी कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, ये प्रोडक्ट्स बनाती है नेचुरल तरीके से जो है, टूथपेस्ट वगैरह या और भी जो प्रोडक्ट्स है वो बनाती है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करना है जो कि आपके लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। सो जब आप कोई ऐड कर रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली एक और बात बताता हूँ, रिसेंटली नहीं काफी दिन हो गया, आपने रेडबुल का नाम सुना होगा, रेडबुल का जो ड्रिंक आता है ना, जी सर, उसमें ना एक लाइन है, इट गिव्स यू विंग्स, ठीक है। तो एक वकील ने क्या किया, उसके ऊपर केस कर दिया कि भाई मैंने तो रेडबुल का ड्रिंक पिया लेकिन मुझे तो कोई विंग्स नहीं मिले, समझ रहे हो आप, तो असही बात है, उसको सच में नहीं मिले लेकिन वहां पे लिखा हुआ इट गिव्स यू विंग्स, तो सच में तो ये था नहीं। तो इस चीज के बाद पहला बात तो उनको जुर्माना पे करना पड़ा, रेडबुल को माफी मांगनी पड़ी कि आपने पब्लिक को झूठ बोला, हालांकि पब्लिक को भी पता है कि ऐसा होता नहीं है लेकिन उसने गलत बात बोला, सही नहीं था। उसके बाद से रेडबुल का जो ड्रिंक आता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक आता है, जैसे कि मैगी 2 मिनट मैगी, में बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैगी के टाइम पे भी वो चीज हुआ हुआ था रेडबुल में, लेकिन अभी क्या होता है पता है, जब आप उसका रेडबुल का पैकेजिंग देखेंगे तो ऊपर में लिखा हुआ रहेगा WIINGS, विंग्स, ठीक है, विंग्स नहीं विंग्स, लंबा वाला विंग्स, ठीक है। तो हाँ वो चीज कि आप पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप जब पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाय मेकिंग एड्स और व्हाटएवर, आप पब्लिक को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबल मैनर में जो है आपको इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। मैगी में तो हालांकि जो आप इशू का बात बता रहे हैं, मैगी वाला तो अलग ही है, मैगी वाला में तो कहा गया था कि उसमें शीशा जो लीड होता है उसकी मात्रा पाई गई है, ज्यादा मात्रा पाई गई है और एक तरीके से मैगी के ऊपर बैन लग गया था, कोई यूज नहीं कर रहा था, पर वापस से उसको चलन में आ गया वो। और मेरा तो ऐसा मानना है, हालांकि कोई रिसर्च इसके ऊपर नहीं है, पर मैंने काफी लोगों से सुना है जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, कि सिर्फ और सिर्फ पतंजलि को प्रमोट करने के लिए, पतंजलि का उस टाइम पे नूडल्स आ रहा था और कोई लेता नहीं था, उसको प्रमोट करने के लिए, मार्केट शेयर को घटाने के लिए, नेस्ले का, नेस्ले बहुत बड़ी कंपनी है, नेस्ले का सेरेलैक बनता है जो बच्चों को दूध पिलाया जाता है, खाना पिलाया जाता है ना, जी खाना सर, खिलाया जाता है, जी सीरियल सीरियल जिसको बोलते हैं, वो बच्चों के लिए वो बनाती है, और उसका एक एक शेयर का प्राइस है 21,000 रुपए, एक शेयर का प्राइस है 21,000 रुपए। उस कंपनी के ऊपर ये बोल करके उसके प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया कि आपके प्रोडक्ट में शीशा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या बोलूं, ये माहौल उस तरीके का बनाया गया, इंडिया में भी वही चल रहा है, माहौल ही बनता रहता है, किसी ना किसी चीज को लेकर के माहौल बन जाता है। तो वही बात है कि जो भी चीजें आपको करनी है रिस्पॉन्सिबल मैनर में करनी है, देखना बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐड रहेगा कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और होता वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐड ही रहता है, ठीक है। तो कितने सारे वकील ना इसी ताक में बैठे होते हैं कि कुछ अगर मिल जाए ना ऊट पटांग तो केस कर दें हम लोग, और हम लोगों को जो है अपना प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है, बराबर ठीक है। इसी इसी को लेकर के बराबर देखना हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि इतना बड़ा मामला नहीं जाएगा इस तरीके का, हालांकि बड़ा मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा डेफिनेटली, उसका भी रूल है आपको जी पता ना, कंज्यूमर जी राइट्स का वाला, कंज्यूमर कंज्यूमर राइट्स ना, यस सर, कंज्यूमर जो कोर्ट होता है ना, उसमें भी एक लिमिट है कि 50 लाख तक जो है आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, 1 करोड़ तक जो है आपका स्टेट कोर्ट होगा, और 1 करोड़ से ज्यादा अगर होगा तो डायरेक्ट आपका नेशनल कोर्ट होगा, ठीक है। तो उस तरीके से जो है वहां पे भी कोर्ट बनाया हुआ है, तो जो भी आप करेंगे उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिजनेसेस को ये ध्यान रखना है, और अगर आप नहीं लेंगे तो हमारे यहाँ के वकील तो है ही ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट है, बिजनेसेस शुड सपोर्ट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो बिजनेसेस को सपोर्ट करना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सारे लोगों का ग्रोथ हो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था, मैं गवर्नमेंट को एज ए बिजनेस तो नहीं बोलूंगा लेकिन गवर्नमेंट का प्रोग्राम का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, आपने जनधन योजना का नाम सुना होगा, हालांकि वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल है, अलग अलग चीजों में उसका यूज हुआ है, लेकिन उसका जो मेन उद्देश्य था वो मुझे बहुत पसंद आया था कि सबके पास अपना बैंक अकाउंट का खाता होगा, ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर अपने पैसे को घर में रख रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पैसे को घर में रख रहे हैं, तो उस पैसे की वैल्यू हर साल गिर रही है ना, जब गवर्नमेंट आई थी उस हाँ टाइम पे पैसे की वैल्यू कितनी थी, या किसी भी गवर्नमेंट के टाइम पे जब इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम पे 1 डॉलर में 1 रुपया होता था, मतलब वो चीज अगर अभी होती तो एप्पल का फोन हम लोग सिर्फ 1,000 डॉलर में खरीद लेते, 1,000 रुपए में खरीद लेते अगर दोनों सेम होता, लेकिन अभी डॉलर की वैल्यू 1 रुपए में 80-84 रुपए के आसपास है, ठीक है ना। सो वो चीज जो है वो
वो एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट काम कर रही है। खैर वो तो बात की बात है, मैं जनधन योजना की बात कर रहा था। तो जनधन योजना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी, जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली हम लोग इंडिपेंडेंट बना रहे थे, कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। उनके पैसे अगर बैंक अकाउंट में रहेंगे तो उनको जानकारी भी होगी और उनके पैसे के ऊपर उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, कुछ तो फायदा होगा, एकदम लॉस तो नहीं जाने वाला। लेकिन अगर घर में रखा हुआ है आपका पैसा तो वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मिला पाए अपने में और उसका बेनिफिट जो है लोगों तक पहुंचा पाए, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का एग्जाम्पल है वन ऑफ द। एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, लोगों का इक्वली डेवलप करना, कोशिश करना है। देखो कहीं डेवलपमेंट हो पाता है कहीं नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ पे क्या है पता है, इंडिया में हमारे यहाँ पे है कि जहाँ जरूरत है वहीं डेवलपमेंट होगा। वो कहते हैं ना कि से आवश्यकता ज्यादा नहीं, कुछ कुछ एक बहुत ही फेमस सा लाइन है, हिंदी में है कोटेशन, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, काफी फेमस लाइन है। होता क्या है कि जहां पे जरूरत होती है, जब जरूरत पैदा होती है तो हम उस काम को करते हैं। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब आग लगती है तब हम लोग कुआं कुआं खोदते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पहले से प्रिपरेशन करके रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हम लोगों को पता है कि आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो अभी के टाइम पे गवर्नमेंट का या फिर किसी का भी क्या काम होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स बनवाएं, आप सही सर्विसेज प्रोवाइड करें। कोविड के टाइम में क्या हुआ, कोविड के टाइम में सिचुएशन इसलिए खराब हुआ क्योंकि हॉस्पिटल भी कम था, लोगों को प्रॉब्लम भी ज्यादा हो रही थी, बेड्स कम थे, है ना। सो जब आपको पता है कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है तो आपको उसी तरीके से काम भी जो है करना पड़ेगा। सो इक्वली आपको ट्रीट करना है, हर जगह पे डेवलपमेंट करना है, जब जरूरत हो तो ही डेवलपमेंट करना है, ऐसा नहीं है। जहां पे जरूरत पड़ सकती है वहां पे भी आपको काम करना है, ताकि आप सभी के लिए डेवलपमेंट मतलब वो चीजें जो है, जो बेनिफिट्स है, जो उनको मिलनी चाहिए चीजें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो चीजें उनको मिल सके। पर ऐसा होता नहीं है हमारे इंडिया में। क्या यूएस में भी अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था, एक बांध था जो कि टूट गया और टूटने के कारण पूरा का पूरा शहर जो है वो डूब गया, पूरा का पूरा शहर। और उसके बारे में जो वहां के लोकल्स थे, जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, वो काफी दिनों से मेयर्स को, जो वहां पे तो मेयर एक बहुत बड़ा अहदा रखता है, काफी दिनों से उन लोगों को कहा जा रहा था कि भाई ये बांध का स्थिति सही नहीं है, आप इसको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दिया नहीं। और जब हो गया तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो बेवकूफ बनाना, किसी किसी के ऊपर तो इल्जाम डालना है ना। तो जिन लोगों ने किया था उन्हीं के ऊपर एक तरीके से इल्जाम डाल दिया कि आप लोगों ने बताया नहीं। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे जितना ध्यान बिजनेसेस को रखना चाहिए, साथ ही साथ जो बिजनेसेस को कंट्रोल कर रही है, हमारे इंडिया में बिजनेस को कंट्रोल करता है जो कंपनीज एक्ट है, या जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट है, या जो ट्रेड मंत्रालय है, एमएसएमई जिसको बोलते हैं, ठीक है। उनका भी तो बिल्कुल काम है कि इन चीजों को लेकर के बिजनेसेस को अवेयर करना कि भाई आपको ये काम करना है, ठीक है। आठवां पॉइंट, नौवां पॉइंट, बिजनेसेस शुड एंगेज विद एंड प्रोवाइड वैल्यू टू देयर कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, कॉमन लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई बिजनेस लॉन्ग रन में चलाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने कस्टमर्स को खुश रखें, आप प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएं जिससे कस्टमर खुश हो, और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। कई बार क्या होता है कि कंपनीज प्रोडक्ट बेच दिया, बेच दिया तो बेच दिया, उसके बाद प्रोडक्ट का क्या हुआ, बंदा खुश है कि नहीं है, जिसने जो इसने लिया है उस प्रोडक्ट को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बहुत सारी कंपनीज जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इंडिया सर्विसेज का जैसे सर नेशन है। अमूल हो गया, अमूल अमूल मिल्क है, पार्ले जी बिस्किट है, दे जी 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 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रोडक्ट्स। इनका इनका बहुत ज्यादा आफ्टर सेल सर्विस में तो नहीं बोलेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज लाइक कोई टेक्निकल सामान आप ले रहे हैं। सपोज आपने कोई टीवी खरीदा, टीवी तो आपने खरीद लिया, लेकिन टीवी को इंस्टॉल करने के लिए कोई बंदा आपके घर नहीं आया, अब टीवी को आप अपने दीवार में इंस्टॉल नहीं हाँ कर पा रहे खुद से, तो क्या होगा, है ना। बिल्कुल आपके टीवी में कोई खराबी हो गई बिल्कुल सपोज, अब उस टीवी को दुकानदार के पास लेकर के गए, वो बोला कि नहीं भाई अब तो नहीं करेंगे आपका, आपका टीवी भले ही वारंटी में हो तो भी नहीं करेगा। इस तरह की जो चीजें होती हैं, है ना। आपने फोन खरीदा, काफी महंगा फोन था, कुछ प्रॉब्लम हुआ, फोन खराब हो गया, अब आप दुकानदार के पास जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं इसके लिए तो चार्ज देना पड़ेगा आपको, 1,000, 2,000, 10,000 रुपए आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। ये जो सर्विसेज होती हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। कस्टमर खुश रहेगा तो वो आपके पास माइंड दोबारा रखते आएगा, नहीं रहेगा तो फिर तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये बिल्कुल पॉइंट्स हैं, टोटल 9 पॉइंट्स हैं, यस टोटल 9 पॉइंट्स हैं, 9 प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस।
काफी कुछ मैंने बता दिया है, चीजों को समझने के लिए मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। ट्राई नॉट टू यूज बिल्कुल पॉलिटिकल और गवर्नमेंटल जो एग्जाम्पल्स थे उनको यूज ना कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि कई लोगों का हाँ पॉइंट ऑफ व्यू, कई बिल्कुल लोगों का तरीका जो है वो डिफरेंट हो सकता है। सो एग्जाम्पल्स थोड़े से रेलेवेंट देने हैं एंड बिजनेसेस को ध्यान में रख करके देने हैं, ठीक है? हाँ हाँ जरूर सो दैट्स इट। अगला क्लास हम लोग 9 बजे से कर सकते हैं, इफ यू गाइज आर फ्री। सर, फ्री है ना सर, ठीक आप 8:30 से भी कर सकते हैं, है देन, आकांक्षा 9 बजे फिर एट ज्वाइन थर्टी से करते भी हैं। कर सकते सर 9 बजे 8:30? 8:30 तक तो मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ डिनर करने। नौ चलेगा या सर, नौ साढ़े नौ नौ बजे से कर लेंगे, ठीक है सर, 9 बजे से ठीक, या ठीक 9:30 सर? सर, हाँ 9:30 भी, किशन 9:30 9 o'clock रहने दोनों सर, मेरे ठीक है सर, को 9:30 के आगे सही असाइनमेंट। रहेगा, ज्यादा लेट हो जाती है फिर। ठीक यस सर, यस है सर, सर, हाँ 9 बजे ज्वाइन करते हैं, ठीक है? ओके ओके गाइस, सर। ओके गाइस। असाइनमेंट भी सर सर और कुछ लिखने उसका कहना प्लीज सर। ये असाइनमेंट्स का वो जो पीडीएफ जो आप बोल रहे थे ना, वो भेज दीजिएगा प्लीज, ठीक है? जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी भेज देता हूँ, जस्ट वेट फॉर फ्यू और सर मेरा सेकेंड्स। अकाउंट और सर मेरा अकाउंट्स का असाइनमेंट अरे मुझे हाँ नहीं यार, मिला। एकदम एकदम ठीक है ठीक है, अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, एकदम याद नहीं था, अभी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को सारी चीजें मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, मैं सेंड कर रहा हूँ। ओके सर, यस ओके गाइस, ओके। थैंक यू।